हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरुदेव गुरी और आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी का पार्ट नंबर 2। इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है साइज एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इसमें पूरी हम बात करेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसमें हमें क्या चेंजेस को देखने मिलते हैं सालों के बाद। मतलब अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कोई ज़्यादा नहीं थी। 1901 से 1951 के बीच में अगर हम बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट 1.33% से ज्यादा कभी गई ही नहीं, मतलब एक बहुत कम ग्रोथ रेट थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1911 से 1921 के बीच में तो वहां पर तो हमारी माइनस में हो गई थी, -0.03% हमारी ग्रोथ रेट हो गई थी। तो ये एक शॉकिंग चीज आई थी। मतलब अगर आज की डेट में हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया आती है। और अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके अनुसार 122 करोड़ है और अभी 130 करोड़ से ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन अब सेंसस होंगे तो जाने कितनी ज़्यादा हो गई होगी। तो ये एक बहुत शॉकिंग फैक्ट आता है। उसके बाद अगर हम देखें कि 1911 से 1921 का एकदम नेगेटिव हो गई थी, तो इसका सिंपल रीज़न है कि 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो आया था उसमें 12.5 मिलियन इंडियंस की डेथ हो गई थी, मतलब पूरी पॉपुलेशन के 5% इंडियन की डेथ हो गई थी। इसके बाद अगर हम देखें 1961 से 1981 में तो वहाँ पर एकदम हमारा ग्रोथ रेट में थोड़ा सा बढ़ावा आया है, जहाँ पर हमारी 2.2% हो गई है ग्रोथ रेट। इसके बाद ये देखने को हमें आता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो एनुअली हमारी ग्रोथ रेट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी डेवलपिंग कंट्री से तो उसमें वो बहुत ज़्यादा है। मतलब साल में साल हमारी कम होती जा रही है ग्रोथ रेट, लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्री से तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इससे हमारे सामने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आती है कि स्टार्ट में इंडिया की ग्रोथ रेट थोड़ी सी तेज थी, फिर एकदम से डाउनफॉल आया और एकदम से बढ़ गया। तो इसका सिंपल एक रीजन आता है कि पूरा जैसा हमने पहले तीन फेजेस के बारे में पढ़ा था तो उसकी वजह से ये चेंजेस आता है। साथ ही साथ उसके अगर हम बात कर रहे हैं एकदम से 1961 के बाद एकदम से 2.2% ग्रोथ रेट क्यों हो गया, तो इसका सिंपल रीजन था कि अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई थी। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं जिसके वजह से इतने बड़े बड़े चेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं। और सीन ये था कि 1931 से पहले इंडिया में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद एकदम से इंडिया में ट्रांजिशनल पीरियड आया जिसके बर्थ रेट थोड़े से कम बस हुए लेकिन एकदम से हमारी डेथ रेट बहुत कम हो गई थी। मतलब कुल मिला के बर्थ तो अभी भी तेजी से हो रहे थे लेकिन डेथ रेट एकदम कम हो गई थी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा आ गई थी। इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट वन में हमने पूरा ही डिस्कस कर लिया था। तो ये बहुत सारे सीन इंडिया में आ रहे थे जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से बढ़ रही थी। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पर एकदम ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको और डिटेल में जानना है कि पर्टिकुलर ईयर में हमारे ग्रोथ में क्या चेंजेस आए, तो आप उस ग्राफ का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1921 के बाद इंडिया में एकदम से डेथ रेट क्यों कम होने लगी, तो इसके दो बहुत बड़े रीजन हमारे सामने आते हैं। पहला आता है कि फेमाइन अब बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और दूसरा आता है कि जो एपिडेमिक एकदम से आ जाते हैं, मतलब कुल मिला के जो महामारी आप आजकल सुनते होंगे एकदम कोरोना जैसे अभी चल रहा है, ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था, ये 1921 के बाद एकदम से कम हो गया था। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले ऐसा होता था कि एकदम से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगती थी पूरे वर्ल्ड में, कोई भी बीमारी आई तो एकदम से बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। और यही बात करें अगर हम जो हमारा एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा आया था 1918 से 1919 के बीच, इससे पूरी पूरी हमारी 5% पॉपुलेशन को मार दिया था, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर ही होता है। और पहले ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक आते रहते थे, जैसे प्लेग आ गया, कोलेरा आ गया, स्मॉल पॉक्स आ गया, ये बीमारी आती थी और हमारे बहुत सारे लोगों को हमसे छीन कर चली जाती थी जिसकी वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया का हेल्थ बहुत ज़्यादा सही हुआ, वैक्सीन आने लगी, ये पूरी चीज़ों ने एक ऐसा रिजल्ट बनाया जिसके बाद से एकदम से डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम होने लगी थी। तो पहले डिस्कस कर लेते कि ये एपिडेमिक जो इन्फ्लुएंजा आया था जिसको स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता है, ये एक्चुअली में था क्या। तो अब अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की, तो मेनली एक वायरस से कॉज होता है, जो वायरस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर देता है, मतलब हमारी नोज हो गई, थ्रॉट हो गई, ब्रोंकाई हो गई और रेयरली लंग्स पर भी अटैक कर देता है, मतलब कुल मिलाकर हमें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये पैंडेमिक देखने को मिला। और इसके बाद यहाँ पर हुआ कि जो वायरस होते हैं ना, इनकी खूबी ये होती है कि टाइम टू टाइम अपने नए स्ट्रेन बना लेते हैं, मतलब थोड़े बहुत अपने जेनेटिक चेंजेस कर लेते हैं जिसकी वजह से जो पुरानी वैक्सीन होती है वो इन पर काम करना बंद कर देती है, मतलब पहले से और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं आप एक महीने बोल सकते हो, जैसा कि अभी कोरोना का चल रहा है। तो यही इसके साथ हुआ, इसने टोटल में जितना भी पेंडेमिक चला होता है तब 3 बार अपने स्ट्रेन बदले, मतलब 3 बार जेनेटिक चेंजेस किए। सबसे पहले तो हमारा 1918 से 1919 वाला आता है जिसको स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता है। उसके बाद 1957
में इसका एक नया स्ट्रेन आया था जिसको हम एशियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, फिर इसने अपने जेनेटिक चेंज किया 1968 में हुआ जिसको हम हांगकांग इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो टोटल ये इसमें हुए थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड में टोटल 2.5 से लेके 5% की पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी इसमें, इस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो हमारा स्पेनिश वाला हुआ था। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अप्रॉक्स 20% पॉपुलेशन को ये बीमारी हो गई थी। जैसे आज कोरोना की बात हम करते हैं, ऐसे उस समय इसका चल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसने अपने स्टार्टिंग के 25 वीक्स में 25 मिलियन पॉपुलेशन को मार दिया था। और अगर हम बात करें एड्स की, तो सबसे खतरनाक बीमारियों में आती है, उसने अपने 25 सालों में 25 मिलियन लोगों को मारा था। मतलब आप देख रहे होंगे कितना बड़ा अंतर एक ये आता है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर हम बोले कि टोटल कितनी डेथ हुई, तो बोला जाता है कि अप्रॉक्स 100 मिलियन डेथ हुई थी इस पूरे इन्फ्लुएंजा की वजह से। और अगर हम इसी इन्फ्लुएंजा की कंट्री वाइज बात करें तो यूएस में टोटल 28% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई थी इससे, जिसमें से 5 से लेके 6.75 लाख पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। मतलब 5 लाख से 7 लाख अप्रॉक्स लोगों की डेथ पूरी इसमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ 2 लाख लोगों की डेथ इससे हो गई थी, फ्रांस में 4 लाख लोग, अलास्का, और अगर हम बात करें सदर्न अफ्रीका की तो यहाँ पर तो सीधे सीधे बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जो गायब ही हो गए थे, मतलब पूरी पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोगों की डेथ हुई थी। इसके फिजी आइलैंड हो गया हमारा, समोआ हो गया, यहाँ पर 22% अप्रॉक्स पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। फिजी आइलैंड में 14% और समोआ में 22%। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते तो इंडिया में 5% पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड थी। टोटल 17 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, 5% इंडिया की पॉपुलेशन की सीधे डेथ हो गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश की जो इंडियन आर्मी थी, जो इंडिया के लोग ब्रिटिश के लिए उस समय काम करते थे क्योंकि इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसमें 22% आर्मी इन्फेक्ट हो गई थी इससे और उनकी भी इसमें डेथ हो गई थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही। और इसमें एक बात जानने वाली ये भी है कि उस समय वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर वन ने चालू नहीं किया था ये एपिडेमिक, लेकिन इस एपिडेमिक को तेजी से फैलाने में वर्ल्ड वॉर वन का बहुत बड़ा हाथ था। इसका सिंपल रीजन ये है कि उस समय जो आर्मी के क्वार्टर्स होते थे, मतलब जहाँ वो स्टे करते थे, वो बहुत आसपास बना दिए गए थे, तो एक से एक फैलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी। साथ ही साथ एक और चीज देखने ही मिल रही थी कि उस समय आर्मी को अटैक कॉम्बैट में जाते थे, लड़ाई करते थे, उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था। साथ ही साथ जब केमिकल अटैक होते हैं, वर्ल्ड वॉर वन में ऑब्वियसली केमिकल अटैक बहुत सारे हुए थे, तो इन दो फैक्टर की वजह से उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी। तो जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आपको डिसीज ज्यादा इन्फेक्ट कर सकती है, आप और जल्दी उससे इन्फेक्टेड हो जाते। तो ये कुछ रीजन आ रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों फैल रहा था। फिर इस इन्फ्लुएंजा के बाद पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे चीजें बहुत इंप्रूव हुई हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि अब हेल्थ पर ज्यादा लोग ध्यान देने लगकर हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहले बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी बहुत हद तक कम हो गया। और उसके बाद अगर अभी भी हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये बीमारियां आज भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें पुराने जमाने से, तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। डेथ के रेशियो में भी बहुत बड़ा अंतर आया है, साथ ही साथ इनके फैलने के अंतर में भी बहुत ज्यादा एक अंतर, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और पूरा क्रेडिट जाता है ये फैसिलिटीज पर जो इंप्रूव हो रही है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 1994 की, तो यहाँ पर एक छोटा सा एपिडेमिक हमें सूरत में देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम अभी की हम बात करें तो हमारा चिकनगुनिया हो गया और डेंगू हो गया, ये हमें इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर देखने मिल जाता है। लेकिन अब इन हर चीज का क्योर आ चुका है, तो इतने घबराने की बात कोई रहती नहीं। और ये अब तो हमने बात कर ली एपिडेमिक्स के बारे में, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि अगर हम कोई भी बात करें अपने पॉपुलेशन के बारे में, तो एक हमारा होता है एपिडेमिक और फिर दूसरा हमारा फेमाइंस आ जाता है। एक फेमाइंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों की डेथ में। तो ये देखने को मिलता है कि खासकर जो भी कंट्री, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और खासकर सबसे ज्यादा फेमाइंस इंडिया में वहां देखने को मिलते थे, ऐसे एरिया में जहां पर रेनफॉल का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मतलब कुल मिलाकर वहां पर कभी भी मानसून फेलियर हो जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एकदम गिर जाता है, ऐसी जगह पर मेन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। इसके अगर सिंपल रीजन निकाले जाए तो वो रीजन थे कि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा कमी थी, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, और गवर्नमेंट ने भी कोई इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए नहीं थे कि इन चीजों को सुधारा जाए। लेकिन इसके बाद अगर हम कुछ बात करें हमारे स्कॉलर्स की, जैसे अमृत्य सेन हो गए और बाकी लोग हो गए, इनने एक चीज और बोली कि हर बार हम ये पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन को इससे क्यों जोड़ देते हैं कि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन कम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन बहुत हो लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही ना हो। तो ये एक बहुत ही सटीक एक पॉइंट आया था कि जरूरी
भी नहीं है कि माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि फूड कम उग रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि फूड की कमी नहीं लेकिन पैसे की कमी है खरीदने के लिए। इसके बाद देखने में ये आया कि इंडिया में आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें कम होते हुए दिख रही हैं। और अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, तो बहुत सारी स्कीम्स एक्ट आती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में जो मनरेगा का दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट का एक्ट जो माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पूरे एक्ट के बारे में आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे वाले चैप्टर में तो वो देखते हैं, बाकी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब इसके बाद हमें एक चीज की बात करना जरूरी है कि जब इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन इतनी राइज क्यों हो रही है। तो सिंपल एक बात देखने वाली है कि इंडिया में इतने सालों में डेथ रेट तो एकदम तेजी से नीचे गिर गई, मतलब वो बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है कोई डिसीज की वजह से या बहुत कम एज में, लेकिन इसी तेजी से हमारी बर्थ रेट कम नहीं हुई। मतलब बर्थ ज्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जैसे जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इस तरह हमने पहले पढ़ा था, मतलब कुल मिला के नई पॉपुलेशन जैसे जैसे ज्यादा बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया की पॉपुलेशन में डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा और देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि अब लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। और सिंपल सी चीज ये होती है कि डेथ रेट इंसान के हाथ में नहीं होती है, मतलब इन शॉर्ट एक तरीके से नहीं होती भाई। एक चीज़ है कि आप हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाओगे तो अपने आप डेथ रेट कम होगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाला साइड हो गया, इसलिए डेथ रेट अपने आप बढ़ती कम होती रहती है। लेकिन बर्थ रेट एक पूरा सोशल फिनोमिना है, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे जब तक हमारी बर्थ रेट कम नहीं होने वाली है, तो इस वजह से बर्थ रेट एकदम बढ़ती कम एकदम जल्दी से कम नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इंडिया की कुछ स्टेट की, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनने अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.7 कर लिया, अगर हम 2016 के स्टेट्स माने, मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पर वुमेन 1.7 चाइल्ड को बर्थ देती है, जो कि बहुत कम है। और इसको मिला लें हम, और अगर हम केरला की स्टेट को मिला लेते हैं, इनका रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है ग्रोथ रेट, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट कम है। तो इसे सिंपल समझ में ये आता है कि फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर कम होगी। लेकिन हर चीज़ का एक साइड होता है। अगर इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी हम बात करें तो कुछ स्टेट हमारी आती हैं, सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 3.3 है, मध्य प्रदेश का 2.8 है, इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ का 2.7 है, और यूपी का 3.1। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा है, मे बी एजुकेशन की कमी होने की वजह से, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से ये चीज़ें यहाँ पर देखने मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता ही जाता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आती है। और अगर इसके बात करें हम इंडिया की बर्थ रेट की, तो इंडिया का बर्थ रेट जाता है 22.4%। इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा होता है अर्बन, एक होता है रूरल। तो अगर हम रूरल की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर 22.4% जाता है, और अर्बन की बात करें तो 17.3% जाता है। इसके बाद अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो दो स्टेट जहाँ का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले हमारा सामने यूपी आता है जिसका जाता है 25.9%, इसके बाद बिहार जिसका आता है 26.4%। तो पूरा एक ही सीन सामने आता है कि जहां जहां पर अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है, ओवरऑल डेवलपमेंट की कमी है, वहां पर हमें ये गलत स्टैट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, तो अगर 2041 में इंडिया की पॉपुलेशन में जितना भी राइस होगा तो उसका 50% तो यही स्टेट हमें देने वाले हैं। और अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ यूपी की, तो 22% योगदान तो यूपी का होगा एवरेज कुछ उसमें। तो ये पूरा एक सीन हमारे सामने आता है। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे टॉपिक और इस वीडियो के आखिरी टॉपिक में। एक चीज और बता दूं, आप ग्राफ का सहारा लीजिए, हम एडिट में भी डाल देंगे, साथ ही साथ अगर आप एडिट में बाई चांस हम अगर कभी भूल जाते तो आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं, ग्राफ से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और अगर हम बात करें डेटा की, जैसे हम आपको पूरा डेटा बता देते हैं किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको एकदम पूरा याद होने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है, आपको बस कुछ याद होना चाहिए। जैसे एक आपको ऐसा याद होना चाहिए कि बिहार का अगर सबसे ज्यादा 26.4 जा रहा है तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे कम कहाँ का जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। पूरा याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा याद नहीं होता है तो ये कुछ चीजें आप ऐसे दिमाग में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक आता है द एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हमने एक एज स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी पढ़ा था कि इंडिया में अगर हम पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन आती है। तो इंडिया को आपने हमेशा सुना होगा यंग कंट्री बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज से, मतलब इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइड निकल कर आता है। तो अगर हम इसके पूरे एज स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम अंडर 15 एज वालों की
की बात करते हैं तो अगर 1967 में ये 42% बनाते थे हमारी पॉपुलेशन का, लेकिन 2001 में थोड़ा सा कम हो गया है, अब ये हो गया है 35%। ऑब्वियसली सबकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 से लेके 60 के बीच में आने वाले लोगों की एज में, तो पहले ही हमारा 53% था और ऑब्वियसली अभी बढ़ के हो गया है 59%। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा चेंज हमको 60+ वाले एज ग्रुप में देखने को नहीं मिलता है। पहले वो हमारा 5% कंसिस्ट करता था, वो बढ़ के 7% हो गया है। तो इसमें हमें इतना बड़ा कोई चीज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बोला जा रहा है कि आने वाले 2 डिकेड्स में हमको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं 2001 से 2026 को, तो यहाँ पर हमको एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हमारी 0 से लेकिन 14 की एज ग्रुप में, तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे -11% देखने को मिलेगा। मतलब अगर पहले 34% हुआ करता था 2001 में, तो ये 23% हो जाएगा 2026 में। और अगर हम बात करते हैं 60+ वालों की, तो यहाँ पर हमें 5%+ देखने को मिलेगा। मतलब ये 7% हुआ करता था 2001 में, अभी हो जाएगा 12% 2026 में। तो एक एक एज स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था फर्टिलिटी रेट्स के बारे में, तो हमें ये देखने को भी मिलता है कि फर्टिलिटी रेट्स में जब चेंजेस आते हैं, तो जो हमारा एज स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें केरला स्टेट की, जो कि आप सबको मालूम है कि एजुकेशन के मामले में बहुत आगे चलता है, लिटरेसी रेट के मामले में बहुत आगे चलता है, तो यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि यहाँ का जो एज स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डेवलप्ड कंट्री के जैसा हो गया बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके कॉन्ट्ररी बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अजीब देखने मिलता है, ये केरला से एकदम डिफरेंट है। यूपी में जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और ओल्डर पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि केरला में बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलता है। इसका रीजन ये फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये चीजें हमारे सामने आती है। तो मतलब इंडिया में पूरा एक अलग ही सीन देखने को मिलता है। कई हमारी स्टेट ऐसी है जहां पर बिल्कुल चीज कंट्रोल में है, कहीं पर आउट ऑफ कंट्रोल है। कुछ स्टेट में हमें यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, कुछ स्टेट में हमें एकदम एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा एक चेंज देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इस चीज से। जैसा कि हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, हमने पढ़ा था कि जब इंडिया में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है और जो लोग डिपेंडेंट है, मतलब मेनली 60+ जो लोग हैं वो कम होते हैं, तो एक इकोनॉमी हमेशा प्रॉस्परस होती जाती है। सिंपल सा रीजन है, जो वर्कर ग्रुप है वो ज्यादा हो जाता है, डिपेंडेंट लोग कम होते हैं, तो प्रेशर भी नहीं होता डिपेंडेंट लोगों को और ज्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। लेकिन ये हेल्प कभी हो पाएगी जब इंडिया को इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। जैसे अगर ईस्ट एशिया में हम बात करें, तो आयरलैंड एक बहुत बड़ा एग्जांपल पहले आता है, जिसने इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाया। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने बोला कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जब ही होगा जब हम इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया को इसका सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है ये। अगर हम देखें सबसे पहले इंडिया को बाकी कंट्री के कंपेरिजन में, तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री है, ये बिल्कुल दावे वाली बात है। तो इसका सीधा एग्जाम्पल आता है कि अगर हम बात करें 2020, मतलब हमारा पिछला साल, इसकी अगर हम बात करें तो जो हम एक एवरेज निकालते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो एज का एवरेज जाता है वो 29 जाता है। मतलब इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन 29 साल की है। इसको अगर हम बाकी कंट्रियों से कंपेयर करें, तो चाइना यूएस का जाता है 37, वेस्टर्न यूरोप का जाता है 45 और जापान का जाता है 48। मतलब इंडिया बहुत आगे है इन सबसे यंग पॉपुलेशन में, और ये थोड़े सालों तक आगे खींचने भी वाला है। तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा सवाल आता है कि इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसका सिंपल आंसर है, प्रॉफिट में जब ही कन्वर्ट होगा जब इंडिया की जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब जो 15 से लेके 64 की एज के बीच में वर्किंग पॉपुलेशन आती है, इसका हम अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट इसलिए मिलता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंट उसमें दो लोग आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग आ जाते हैं और एक बच्चे आ जाते हैं। जब इनका रेशो कम होता है एज कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है, लोग काम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम होती है अगर ओवरऑल हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का इसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा लॉस ये आता है कि अगर हम बात करें, हमने पहले भी करी थी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ये क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि हमें एक डिपेंडेंसी रेशो बहुत कम है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, हमारी जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है उसको वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते, तो हमें परसेंटेज मिल जाता है कि कितना डिपेंडेंसी रेशो है। लेकिन ये गलत तरीका है नापने का,
भाई आपने ये तो एक तरीके से नाप लिया कि कितनी वर्किंग कितनी नॉन वर्किंग, लेकिन ये भी तो नापना जरूरी है ना कि कितनी वर्किंग पॉपुलेशन में से एक्चुअली लोग वर्किंग में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट से जूझ रही। इन टॉपिक पर हम ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, लेकिन आपको इतना समझना बहुत जरूरी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी चीज जाती है, हमें कहीं ना कहीं रोकती है आगे बढ़ने से। तो मतलब ये जानना जरूरी है कि मे भी इंडिया सबसे ज्यादा यंग कंट्रीज में से एक हो, लेकिन जब तक हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम इंडिया में लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना पड़ेगा जहाँ पर हमारे यहाँ की ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये खत्म हो सके, मतलब जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है ये आगे बढ़ सके। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं इसमें मात खाता है क्योंकि इंडिया में नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम क्रिएट होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो एज स्ट्रक्चर आने वाले सालों में कैसा दिखने वाला है, तो सबसे पहला कि जैसे हमने जाना 1970 में हमारा 79 था डिपेंडेंसी रेशो, इसके 2005 में कम हो गया 64 हो गया, मतलब हमारे यहाँ और ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन आ गई। इसके बाद 2005 में थमेगा नहीं, मतलब 2025 में जब हम पहुंचेंगे तो उस समय ये और कम हो गया 48 में जाएगा, मतलब और ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन आएगी क्योंकि जो बच्चे थे अब वो वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं 2050 में, तो ये 48 से बढ़कर 50 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं फिर से एक राइज देखने मिलेगा डिपेंडेंसी रेशो में। तो कुल मिलाकर बस समय इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है, हमें इस समय में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इंडिया को एकदम पीक पर पहुंचा दे। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया के सामने एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर हम बात करते हैं 1999 से 2020 में जो इंडियन नेशनल सैंपल हुआ था सर्वे, उसके बाद और अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें, तो हमें एकदम से जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप 15 से 30 के बीच में, तो 1987 में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट था वो था 2.4%, लेकिन अगर हम बात करते हैं 1994 से लेकर 2004 के बीच में तो एकदम गिर गया। अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया में तो ये 0.7% पर आ चुका था, और अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया की तो ये 0.3% में आ चुका था। मतलब सिंपल सी बात है कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट गिरता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया के सामने बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल होने के लिए बेनिफिट रखा हुआ है इंडिया की पॉपुलेशन, लेकिन अगर इसको हमने सही तरीके से यूज नहीं किया तो इंडिया बहुत बड़ा चांस मिस कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी यंग पॉपुलेशन ओल्डर होती जाएगी, तो हमें हमारा एकदम से डिक्लाइन आएगा इकोनॉमिक साइड में, तो उससे पहले हमें अपने आप को इतना खड़ा करना पड़ेगा कि जब हमारा डिपेंडेंसी रेशो बढ़ेगा तो उस समय हम इतने पावरफुल हो कि हम उसको सहन कर सकें। तो ये पूरा आता है इस वाले पार्ट में, तो यहीं पर हमारी सेकेंड वीडियो खत्म होती है। इसके दो वीडियो और आएंगी, चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है आई नो, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो हम आपके सामने डेटा लेकर आते हैं, इतने सारी चीजें बताते हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड में एकदम आपसे डेटा नहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन ये डेटा आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए जितना आप अपने आंसर राइटिंग को और इंप्रूव कर सकें। जब आप ये पॉइंट लिखते हैं आंसर में, तो कहीं ना कहीं आंसर हमारे और अच्छे दिखने लगते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको थोड़ा डेटा याद करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, आप सीधे वीडियो शिफ्ट कर सकते हैं आगे वाली। बाकी मैं तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।